सात दौर में मतदान होना है और आज पहले दौर की वोटिंग है उत्तर प्रदेश में और आज तक किस तरह की तैयारियां करके रखे हुए हैं हम आपको बताएंगे। दरअसल पिछले बार के चुनावों को अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए के पास गंवाने के लिए उतना कुछ था नहीं। पहली बार वहां पर क्या पूर्ण बहुमत से उसे उस तरीके से सत्ता हासिल हो सकती थी, 300 पार वो पहुंचे थे। तो इस बार की जो तैयारी आप देखेंगे तो उसमें सारी पार्टियों के पास गंवाने के लिए कुछ ना कुछ है, डर है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सोच रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उसकी नैया पार हो सकती है। पिछली बार जिस तरह की लहर थी इस बार क्या उस तरह की किसी लहर की अपेक्षा, उम्मीद, आकांक्षा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कि नहीं। किसान आंदोलन के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो क्या समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को इतना मजबूत गठबंधन और एक मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर आज चुनाव होना है पूरी तस्वीर बदल जाएगी। पश्चिमी यूपी की ही 58 सीटों पर आज वोटिंग चल रहा है, एक घंटे का मतदान हो चुका है, लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में 60% से ऊपर वोटिंग होती है लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग पूरी तरीके से लगा हुआ है उसकी उम्मीद यह होती है कि कुछ और आगे बढ़ा लिया जाए। लोग कितनी संख्या में मतदान करने निकलते हैं अब ये किसी भी तरह की लहर का कोई सूचक रह नहीं गया है। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो ये दिखाती हैं कि यूपी की जागरूकता और यूपी में लोकतंत्र के उत्सव को लेकर लोगों के मन में उत्साह किस तरीके का रहता है। ये नोएडा से लेकर मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े बड़े लोग हैं आज चुनावी मैदान में, सबकी किस्मत आज दांव पर है। क्या होने वाला है हम आपको दिखाते हैं। ये जो बड़े बड़े उम्मीदवार हैं, जो मंत्री हैं, श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ सरकार में, अगर एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज होती है जिसके बारे में विपक्ष बार बार बोल रहा है तो मंत्रियों पर बड़ी गाज गिरती है अगर काम नहीं किया होता है। सुरेश कुमार जो कि गन्ना मंत्री है, गन्ना विकास मंत्री हैं, सबसे ज्यादा जो निगाहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहती हैं वो ये कि गन्ना किसान क्या कह रहे हैं। सरकारें अपनी तरफ से ये जरूर कह दें कि हम भुगतान कर रहे हैं अभी भी पिछली सरकारों का, लेकिन क्या किसान इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। कपिल देव अग्रवाल हैं, ये तमाम मंत्रियों के चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जो कि आज चुनाव मैदान में है मुजफ्फरनगर से। तो एक एक करके अगर हम सभी मंत्रियों की, विनोद अग्निहोत्री जी, हम देख लें, सबसे ज्यादा टेंशन नर्वसनेस मंत्रियों में ही रहता है और सबसे ज्यादा अगर विरोध रहता कहीं पर आप जाएं आपको डर लगता है कंस्टिट्यूएंसी आप ही की है, लेकिन अगर किसान आंदोलन जैसी चीज होती है तो वहां पर विरोध का सामना सबसे पहले मंत्री ही जी को करना पड़ता है। न जाए तो भी दिक्कत है, जाए तो और ज्यादा दिक्कत। देखिए जिसके पास सबसे ज्यादा खोने के लिए होता है डर भी सबसे ज्यादा उसी को होता है। मंत्री के पास अपनी विधायकी के साथ साथ अपना मंत्री पद खोने का भी डर होता है और जिम्मेदारी भी उसकी इसलिए होती है। ये सुरेश राणा तो गन्ना मंत्री हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है गन्ने के बकाए के भुगतान का ही है, तो उनके सामने और बड़ी चुनौती है कि उसी क्षेत्र से हैं वो और उसी का मुद्दा है और किसान आंदोलन का गढ़ है ये। किसान आंदोलन के दौरान गन्ने के बकाए के भुगतान का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा रहा है, तो इसलिए जो भी मंत्री हैं चाहे वो श्रीकांत शर्मा हो, बिजली का मुद्दा, अब बिजली की कीमतों का मुद्दा, ये भी एक मुद्दा जो है जमीनी मुद्दा है, श्रीकांत शर्मा बिजली मंत्री ऊर्जा मंत्री हैं, तो कुल मिलाकर के आज के जो पहले चरण के मतदान में जो मंत्री प्रमुख हैं वो सीधे सीधे किसानों के से जुड़े हुए विभाग उनके पास हैं। ऐसे में निश्चित रूप से उनके सामने अपनी सीट बचाना, अपनी सरकार बचाना, और सिर्फ देखिए मंत्री के लिए क्या होता है कि जिस सीट से लड़ रहा है वो तो बचाना है ही, उसके आसपास की सीटों को भी जिताने की एक तरह से जिम्मेदारी उसकी होती है क्योंकि उसका एक प्रभाव होता है उस क्षेत्र में। तो सुरेश राणा से ही बात की है हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने, पहले वो सुना देते हैं कि वो क्या क्या रहे हैं। प्रत्याशी उम्मीदवार हैं आज 2019 के चुनावों में भी खुलकर वो नजर आते थे संजीव बालियान साथ साथ में, हर एक बूथ पर सब जा जाकर करते थे, लेकिन आज अपनी बारी है। सुरेश राणा क्या कह रहे हैं सुनिए। पहले चरण का चुनाव है, वोटिंग है और हम इस वक्त थाना भवन शामली में मौजूद हैं और जहां से योगी सरकार में मंत्री सुरेश राणा चुनाव मैदान में हैं। परीक्षा का दिन और हमारे साथ हैं सुरेश राणा, आपके स्वागत है आज तक पर। सुरेश जी ये बताइए कि आपके लिए ये चुनाव कितना डिफिकल्ट है, कितना कठिन है? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय मोदी जी ने जो 7 साल में काम किया है, आदरणीय योगी जी ने जो 5 साल में काम किया है वो ऐतिहासिक है। भारी जुनून है लोगों के अंदर, जोश है और पहली बार लोगों ने विकास को करीब से देखा है
उत्तर प्रदेश में पहली बार विकास दिखाई दिया है लोगों को, और लोगों को लगता है कि डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से शानदार काम किया है, गांव, गरीब, किसान, नौजवान के लिए जिस तरह की योजना दी है, कोई घर ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी योजना के साथ जुड़ा हुआ ना हो। लोगों में अजीब उत्साह है और मैं कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का एक तरह से जलवा है, वो जलवा गांव के बूथ तक दिखाई दे रहा है। लेकिन दो बार से आप विधायक हैं, किसान आंदोलन का असर है, आपको लगता नहीं कि आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी उन लोगों के खिलाफ होती है जिस जनता के बीच में नहीं रहते। मेरी विधानसभा के आप किसी गांव में पूछोगे, किसी भी गांव में, 130 गांव है, तो आपको पता लगेगा कि हर गांव में मैं 20 से 25 बार गया हूँ, हर गांव में, मंत्री होने के बावजूद। सरकारी काम का समन्वय और जनता का समन्वय, यही नारा मोदी जी योगी जी का है कि लगातार आपको सब लोगों के बीच में रहना है, उसे हमने पूरी तरह से फोकस करने का काम किया है। दूसरा है विकास, जनप्रतिनिधि से विकास की उम्मीद सब करते हैं, और 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा का विकास थानाभवन विधानसभा में हुआ है। शायद ये पहली विधानसभा भारत की होगी जिसमें 5 राजकीय इंटर कॉलेज 4 साल के अंदर बने हैं और 3 राजकीय डिग्री कॉलेज भी 4 साल के अंदर बने हैं, और सड़कों का जाल, 2500 करोड़ रुपए की सड़कें, बिजली, पानी, 300 करोड़ रुपए की तो अकेले पेयजल योजना है, कोई गांव नहीं बचा। 12 गांव हैं जिन गांव में अभी जमीन का प्रस्ताव नहीं हुआ, वरना विधानसभा के हर गांव में पेयजल की योजना दे दी गई है। और कानून व्यवस्था, कितनी शानदार कानून व्यवस्था, एक जमाना था भाई, शाम को किसान खेत में जाते डरता था, बहनें स्कूल जाते डरती थी, व्यापारी दुकान पर बैठते डरता था, आज ऐसी कानून व्यवस्था है कि छोटे छोटे कस्बों के बाजार रात के 11-11 बजे तक खुले रहते हैं। स्कूटी पर सवार होकर के, अभी मैं एक दिन जा रहा था तो शामली से 2 बच्चियां आ रही थी, मैंने रोक करके कार से पूछा कहां से आ रहे हो, बोले कोचिंग से आए, रात के 9:30 बजे 2 बच्चियां आ रही हैं स्कूटी पर। तो कुल मिलाकर के एक शानदार कानून व्यवस्था है, और उस कानून व्यवस्था के कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश का जीवन बहुत शानदार हुआ है, और आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने हमारे जीवन स्तर को भी उठाया है। गांव में लाइट है, गांव में सुरक्षा है, गांव में सड़क है, जो चीजें महानगरों में होती थी, जो चीजें शहरों में होती थी, वो आज गांव में मिलने लगी है। तो 58 सीटों पर हमारे 58 रिपोर्टर हैं, लेकिन हम स्टूडियो में जल्दी जल्दी एक बार बात कर लेते हैं। विजय जी, किसान जो कृषि बिल है जिस दिन वापस किए गए थे, उस दिन मुझे याद है मैं उस दिन फील्ड में थी, उन्हीं किसानों के बीच थी। अब जो सुरेश राणा जी बोल रहे हैं, वाकई उसी तरह का मनोभाव सभी किसानों के मन में था, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, नाराजगी उसको लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन सीधे वो बोलते थे कि हाँ परिवर्तन तो हुआ है। ये सबसे बड़ा सेविंग रेस और इसीलिए सबसे ज्यादा शोर इसका चुनावी मुद्दों में सुनाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी, ये जो चुनाव है और खासतौर से जो आज चुनाव हो रहा है, पहले चरण का चुनाव हो रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ये किसान बेल्ट है, जिसे विनोद जी ने भी इस बात का जिक्र किया, और किसान आंदोलन जो पिछले 1 साल तक वहां चला उसका असर यहां दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भी वो बात समझ में आ रही है कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी क्या वो नाराजगी कम हुई है, क्या एंटी इनकम्बेंसी कम हुई है। जैसे अभी बात हो रही थी मंत्री जी से, सुरेश जी के साथ, कि वो गन्ना मंत्री हैं, तो क्या उस तरह की नाराजगी कम हुई है। अब नाराजगी अगर कम होती, एंटी इनकम्बेंसी की बात होती, तो मैं देख रहा हूं कि 53 सीटें मिली हैं पिछली बार 58 में से, भारतीय जनता पार्टी को इन 58 में से, और इस बार उन्होंने 23 नए चेहरे उतारे हैं, उसमें से 19 सिटिंग MLA हैं, जो 19 सिटिंग MLA थे उनको हटाकर नए चेहरे लेकर आए। इसका मतलब हर तीसरा MLA उन्होंने बदल दिया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी महसूस हो रही है, महसूस हुई, और उसके लिए कदम उन लोगों ने उठा लिया। लेकिन संजय जी, ये समझाइए कि थोड़े थके थके भी लग रहे हैं सारे जो उम्मीदवार हैं आज सुबह में, तो इतना घूमना पड़ा है सबको कोविड गाइडलाइंस की वजह से, आप एक जगह खड़े होकर सबको संबोधित नहीं कर पाए हैं, यही थकान। लेकिन इससे कोई दूसरा असर दिख सकता है इन चुनावों में, ये चुनाव अलग हो सकते हैं क्योंकि पर्सनली मिलना पड़ा है सबसे? मुझे नहीं लगता श्वेता जी कि कोई चुनाव कैंपेन का जो मॉडल बदला इस बार, क्योंकि आप बड़ी रैलियां नहीं कर सकते थे, घर घर जाकर आपको प्रचार करना है, इससे कुछ चुनाव के नतीजों पर कुछ असर पड़ेगा, किसी के फेवर में जाएगा, किसी के अगेंस्ट जाएगा, ऐसा तो कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ये जरूर है कि कैंडिडेट जिस तरह से चुनाव प्रचार की उन्होंने पहले नीतियां बनाई होंगी, उससे हटकर उन्हें दूसरे तरह से चुनाव करना पड़ा, चुनाव प्रचार करना पड़ा, और घर घर जाकर करके वोटरों से बात करनी पड़ी। तो जब आप वोटरों से घर पे मिलते हैं उनसे, तो उनकी नाराजगी भी आपको साफ झलकती है, और अगर उनकी पसंद आप हैं तो वो भी साफ झलकती है। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट को इस बात का आभास होने लगता है कि माहौल क्या है, क्या उनके फेवर में माहौल है या उनके खिलाफ माहौल बन रहा है। इस बात का तो असर, इस बात का तो अंदाजा जरूर हो गया होगा इस बार उम्मीदवारों को, और इसीलिए मुद्दे वो भी उठाए गए जो भारतीय जनता पार्टी जिन पर, जिस पिच पर खुद को ज्यादा महफूज महसूस करती है। हमारे तमाम संवाददाता जो हमारे साथ इस समय, जो 5 संवाददाता जुड़े हैं, बता दें, कुमार अभिषेक कैराना से हैं, मौसमी सिंह मुजफ्फरनगर से हैं, रामकिंकर सिंह गाजियाबाद से हैं,
हिमांशु मिश्रा बागपत से हैं और जितेंद्र बहादुर सिंह आगरा से हैं। कुमार अभिषेक, कैराना के मुद्दे को, पलायन वाले मुद्दे को, जो पिछली बार के चुनावों में इतना बड़ा मुद्दा बना था और जिसको लेकर बहुत ज्यादा बहस छिड़ती रही, लेकिन इस बार एक बार फिर उसका जिक्र, क्या इस कारण ही हुआ कि भूलना नहीं उन चीजों को? बिल्कुल श्वेता, कैराना का मुद्दा बीजेपी के लिए कैराना में जितना बड़ा है उससे कहीं बड़ा मुद्दा ये पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बनाने की कोशिश की है। पलायन उनके लिए एक शोकेश कह सकते हैं मुद्दा है जिसे बीजेपी ने दिखाया है। कैराना में कितना असर होता है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दें। देखिए, सुबह 8 बजे का वक्त है और भले ही वर्चुअल रैली रही हो, भले ही लोग बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हुई, लेकिन लोगों की लाइन लंबी होती जा रही है। सुबह 7 बजे से मैं देख रहा हूं कि यहां पे लगातार लोग पहुंच रहे हैं और कैराना बहुत ही सेंसिटिव है। 12 जो जिले सेंसिटिव बनाए गए हैं उसमें शामली को भी रखा गया है, लेकिन लोगों की तादाद आपको इस वक्त दिखाई देगी जो बूथ पर इस वक्त मौजूद है। 9 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है, लेकिन यहां पर कैराना में मृगांका सिंह और साथ साथ सामने नाहिद हसन है। इन दोनों के बीच वोटर भी बिल्कुल साफ साफ बटा हुआ दिखाई देता है। हम कुछ लोगों से जानेंगे भी कि क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या है इस बार मुद्दे, भाई साहब बताएं किस मुद्दे पे वोट करेंगे, क्या है मुद्दे इस बार? नहीं, आप लोगों को क्या लगता है क्या मुद्दे हैं? बहुत लोग हैं जो बोलना नहीं चाह रहे इनफैक्ट, लेकिन सुबह से मैंने कई लोगों से बात की है और साफ साफ जो है ना वोटर्स का डिवीजन यहां पर दिखाई देता है। लेकिन नजरें श्वेता इस बार होंगी सबसे ज्यादा कि जो जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन है, जो जेल है, क्या वो सही में जमीन पर काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन ये तस्वीरें दिखाती हैं लोकतंत्र की कि आखिर इतने बड़े कोविड काल के बावजूद भी लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। लगभग सबने अपना मन बना रखा है वोटिंग का कि किस तरफ वोटिंग करनी है। बहुत कंफ्यूजन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अपने अपने सेगमेंट हैं और जिसका वोटर है वो उसके लिए साफ साफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर कई जो मंत्री हैं उनके लिए इस बार मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हम लोग कल घूम रहे थे इस थाना भवन इलाके में, कई इलाके में वहां पर जो है सरकार और खासकर कुछ विधायकों के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं। अब देखना यह है कि मतदान का प्रतिशत कितना जाता है, देखना यह है कि लोगों का उत्साह कितना, लोगों का उत्साह तो अभी दिख ही रहा है वहां पर। अभिषेक, मौसमी सिंह मुजफ्फरनगर से, कैराना का मुद्दा, मौसमी हम यही कह रहे थे कि कैराना में अगर भारतीय जनता पार्टी पलायन के मुद्दे को उठा रही है तो यहां पर जो मुजफ्फरनगर में ट्रॉफी है वो ये उठा रहे हैं कि दंगा नहीं होने दिया, देखिए शांति का माहौल है। क्या लोग महसूस करते हैं इन चीजों को, क्या लोग इन चीजों को महसूस कर रहे हैं और उस हिसाब से आगे वोट करेंगे, या फिर जो किसानी के मुद्दे को लेकर नाराज था वो तो है भाई। जी देखिए श्वेता, आपने जिस तरह से कहा, यहाँ पे अगर आप चाय भी पीजिए या यहाँ की गुड़ को मिलाइए चाय में तो भी आपको सियासी स्वाद जरूर आएगा, क्योंकि ये एक प्रयोगशाला रही है मुजफ्फरनगर। चाहे आप ये कह लीजिए किसानों की जो राजनीति है उसकी प्रयोगशाला रही है, या फिर वो जो जातिगत राजनीति हुई उसकी, और 2013 के बाद बहुत कुछ यहाँ पे बदला। जिस तरह से दंगों का मुद्दा हावी रहा और लगातार बीजेपी सुरक्षा का मसला मुजफ्फरनगर में उठा आती चली आई है, ऐसे में ये बीजेपी का बिल्कुल गढ़ माना जाता है। और 2017 में जिस तरह से क्लीन स्वीप मिली थी बीजेपी को, तो उसमें जो है लगातार रालोद और सपा का गठबंधन चुनौती दे रहा है। पर हम एक फैक्टर याद रखना है कि बसपा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बहुत अच्छा नहीं मतलब सेकंड जो पोस्ट पे रही थी वो बसपा रही थी 2017 में भी, भाजपा नंबर वन पे थी। तो वो फैक्टर कितना काम कर रहा है ये देखना होगा। और क्योंकि राकेश टिकैत का गांव भी इसी इलाके से आता है, संजीव बालियान भी मुजफ्फरनगर से आते हैं, तो लगातार जो है आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। कहीं ना कहीं जो राजनीति असगर और मसगर और MY से अब आके टिकी है तो किसानों की सियासत पर टिकी है। बाहुबली बजरंगबली वर्सेस चर्बी और गर्मी के साथ जो चरम देखा गया वो यही मुजफ्फरनगर में देखा गया श्वेता। और ऐसे में देखना होगा पीछे भी आप देखिए कि लगातार वोटरों में भी एक जागरूकता नजर आ रही है, एक उत्साह नजर आ रहा है। और
कई बार मशीनें भी यहाँ पे खराब हुई। इस्लामिया इंटर कॉलेज जो मुजफ्फरनगर सदर का इलाका है वहां हम है, जहाँ से योगी सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव लड़ रहे हैं, पर उसके बावजूद भी कड़ाके की सर्दी में वोटर इंतजार करने को तैयार है। तो इम्तिहान की घड़ी ये तस्वीरें देखकर मौसमी, सारे जो वोटर हैं अपने घरों में जो इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, अगर आपके इलाके में वोटिंग है तो जाइए, निकलिए, देखिए, पीछे मत रह जाइएगा, सारे लोगों को वोट डालना चाहिए। 58 सीटों पर 58 रिपोर्टर हमारे इस समय मौजूद हैं। आज तक के तमाम संवाददाता इस समय फील्ड में हैं यह परखने के लिए कि लोगों में उत्साह कितना है और सरकारों को जो एक तरह से आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या चल रहा है, समाजवादी पार्टी के मन में क्या चल रहा है, आरएलडी क्या सोच रही है, वो गठबंधन कितना कामयाब हो सकता है, नेता भी बहुत ध्यान से देख रहे हैं क्योंकि आज तो परीक्षा, पहली परीक्षा, पहले पेपर का दिन आ चुका है। उत्तर प्रदेश में पहले दौर की वोटिंग इस समय चल रही है, 1.5 घंटा हो चुका है। 58 सीटों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 58 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और इन 58 सीटों पर आज तक के 58 रिपोर्टर इस समय मौजूद हैं, तस्वीरें लगातार भेज रहे हैं और तस्वीरें जो आ रही हैं अलग अलग सीटों से वो बेहद उत्साह बढ़ाने वाली है क्योंकि लंबी कतारें लोगों की लग गई है। आपको हम ये भी बताएं कि उत्तर भारत में चूंकि ठंड है, उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में भी ठंड का प्रकोप है, हल्की फुल्की बारिश की भी खबरें कुछ जगहों से हैं, लेकिन लोग सुबह सुबह निकल गए ताकि जल्दी जल्दी मतदान कर दें, यानी पहले मतदान उसके बाद बाकी काम। शहरी इलाके, ग्रामीण इलाके, हर जगह लोग बड़ी संख्या में निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। और आज तक की तरफ से हम आपको भी अपील कर दें कि घरों से निकलें, वोट डालें, देखिए कितना, कितने अधिक प्रतिशत तक वोट हो सकता है भारत में। उत्तर प्रदेश के ये उन इलाकों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए कतारें कितनी लंबी हैं और अभी सुबह के सिर्फ 8:30 ही बजे हैं। गृहमंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक, राहुल गांधी, सबकी तरफ से ये अपील आ रही है और उस अपील के साथ एक वाक्य में यह भी बताया जा रहा है संकेतों में कि वोट आपको डालना का है। योगी आदित्यनाथ ने भी लोकतंत्र के महायज्ञ के प्रथम चरण का जिक्र किया है। ये सारी बातें ट्विटर के जरिए अभी रखी जा रही हैं और जो प्रत्याशी, जो मंत्री, जो प्रत्याशी भी हैं वो सब वोट डालने के साथ इस तरह की अपीलें भी कर रहे हैं जो हम आपको समय समय पर सुनवा रहे हैं। हम अपने संवाददाताओं के पास चलें, उससे पहले जरा हम आपको अपने स्टूडियो में अपनी व्यवस्था भी बता दें और दिखाएं आपको कि किस तरह से हमारे कंप्यूटर बाबा उन तमाम आंकड़ों को संजोकर रखे हुए हैं। क्या कह रहे हैं ये आंकड़े, क्यों भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पिछली बार की तरह का कोई जादू उसका चले और क्यों समाजवादी पार्टी और साथ में आरएलडी सोच रहे हैं कि हमारा गठबंधन वो करिश्माई गठबंधन साबित हो जाए। तो देखिए पहला फेज जो है 58 सीटें ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, केवल उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा बच जाता है जिसमें दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। तो ये पहला चरण है और इसमें सीटों का गणित क्या कह रहा है, कितने, ये देखिए कभी कभी ये देखिए 2017 के जो नतीजे आए थे 58 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस 53 सीटें हो गई थी, 58 में से 53 भारतीय जनता पार्टी के पास गए थे, समाजवादी पार्टी प्लस 3, बीएसपी को 2, हालांकि उस समय यूपी के लड़के भी थे लेकिन फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं उस समय कांग्रेस को यहां से कुछ नहीं और अन्य को भी कुछ हाथ भी कुछ नहीं आया था, लेकिन कुल, यानी कुल मिलाकर इस तरीके से देखिए तो बीजेपी की लहर थी और जमीन पर और मतदान केंद्रों से निकलते हुए नतीजे दिखा रहे थे कि वो लहर मतपेटियों तक पहुंची थी। अब इसमें हम कुछ महारथियों को देख लेते हैं और उसके साथ ही अपने संवाददाताओं के पास हम आपको लिए चलेंगे। ये उत्तर प्रदेश पे हम जाते हैं और उत्तर प्रदेश के 58 सीटों की तरफ हम जाते हैं और इसमें देखिए महारथी, महारथी जब आते हैं तो ये वो चेहरे हो जाते हैं जो मंत्री है या फिर इतने बड़े नाम है कि देखा जाना है कि यहां से वो जीत कर आगे निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं। हम नोएडा आपको लिए चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। नोएडा से पंकज सिंह कैंडिडेट हैं और उनका जो मुकाबला यहां पर है वो मुकाबला है समाजवादी पार्टी के सुनील चौधरी से और कांग्रेस की
पंखुड़ी पाठक से। तो हिमांशु, बीजेपी हमेशा ये चाहती है कि जो शहरी क्षेत्र हैं, जो कि बाकी पार्टियों के तो अलग अलग इलाके हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी के गढ़ के तौर पर शहरी क्षेत्रों को देखा जाता है, पर इस बार कोविड का जो प्रकोप रहा वो शहरी क्षेत्रों में भी रहा, अस्पतालों का प्रबंधन भी रहा सवालों के कटघरे में। क्या नोएडा में पूरी तरीके से आश्वस्त हो सकती है बीजेपी, या यहां पर जिस तरह से बहुत अग्रेसिव डोर टू डोर कैंपेनिंग न केवल समाजवादी पार्टी की तरफ से हुआ है बल्कि कांग्रेस भी बहुत जोर शोर से कम नोएडा के इलाके में रही है? हिमांशु, देखिए बिल्कुल कोरोना की महामारी का एक तरीके से कह सकते हैं कि इफेक्ट जरूर पड़ेगा। और जो बात आप श्वेता कह रहे हैं कि शहरी जो क्षेत्र रहते हैं वो हमेशा बीजेपी के लिए एक स्ट्रांग होल्ड वाली जगह रहते हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो 58 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं आज पहले चरण के अंदर, उसकी सबसे क्रीमी जो सीट है, क्रीमी लेयर वाली, वो नोएडा सीट है। और वहां से पंकज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। पंकज सिंह का बैकग्राउंड हम सब जानते हैं कि वो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, देश के रक्षा मंत्री के, और पिछली बार वो 1 लाख से ज्यादा मतों से जो है यहां से चुनाव जीते थे। अब देखना यह है कि इस बार समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कितना अच्छा यहां कर पाएगी, क्योंकि ये सब कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो है यहां पर चुनाव जीता जाए। क्या नोएडा जैसी सीट पर भी गन्ना और जिन्ना चलेगा, या गर्मी, चर्बी और हिजाब जैसे मुद्दे रहेंगे, यहाँ असली मुद्दे क्या, इन सब के पीछे गौण हो जाएंगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बेरोजगारी, महंगाई और किसान जैसे मुद्दे जो हैं वो इस चुनाव में रहने वाले हैं, या फिर गन्ना, जिन्ना और मैं आपको बताऊं हिजाब जैसे मुद्दे जो पिछले कुछ दिनों के अंदर देखे गए हैं, उसको लेकर भी जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। तो क्या मूल मुद्दे जो है वो गौण हो जाएंगे, और जो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर राजनीति की जा रही है, वो चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। पलायन का मुद्दा जो है वो उठाया गया था बीजेपी की तरफ से, उसका जवाब दिया था अखिलेश यादव ने। उसके बाद जो है गर्मी उतारने की बात की गई थी योगी आदित्यनाथ की तरफ से, तो चर्बी की बात जयंत चौधरी की तरफ से की गई थी। तो इस तरीके के मुद्दे रहेंगे, या फिर असली मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता वोट करेगी, ये तो 10 मार्च को साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार की स्थिति बीजेपी के लिए बहुत कांटे वाली रहने वाली है। पिछली बार जिस तरीके का प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को मिला था, इस तरह के जो मुद्दे होते हैं वो कम से कम साइकोलॉजी पे कुछ असर डाले, इसीलिए राजनेता जो है उसका जिक्र कर देते हैं। बहुत सारे संवाददाता हमारे एक एक करके जुड़ते जा रहे हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी सबसे थोड़ा थोड़ा जल्दी बात करते जाते हैं। सईद अंसारी भी इस समय मेरठ पहुंच चुके हैं। सईद, आपके साथ प्रत्याशी है वहां? जी जी श्वेता, सरधरा सीट है, जल्दी से बताएं। बहुत ज्यादा ठंड है, कोहरा जबरदस्त था, अभी भी है, हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन मतदाताओं में जोश उत्साह जो है वो इस भीड़ को देखकर आप लगा सकती हैं। अतुल प्रधान जी, जो कि समाजवादी पार्टी RLD के प्रत्याशी यहां पर हैं, लगातार तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं, संगीत सोम मौजूदा विधायक को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, क्या यही फायदा आपको मिल रहा है, या आपको लगता है कि कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जिसका इस बार आपको अतुल जी फायदा मिलेगा? देखिए, जो स्टेट लेवल के मुद्दे हैं वो बेहद गंभीर हैं और जनता उनसे नाराज है सरकार से इस समय। जैसे आप देखेंगे, महंगाई देश के और स्टेट के दोनों का विषय है, और महंगाई के कारण आम जनता इतनी परेशान हुई। कोरोना के समय आपने देखा होगा लाशों को गंगा में बहते हुए, माता गंगा में बहते हुए, और जो स्थानीय यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो भी एक आप, ये तो आप बार बार अतुल जी कहते रहे, लेकिन जो भीड़, एक जबरदस्त भीड़ आपकी रैलियों में उमड़ रही है, आपको सुनने के लिए, देखने के लिए लोग आ रहे हैं। संगीत सोम जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ दिखावे के हैं, वोट तो सारे हमारे। देखिए, दिखावा लोकतंत्र में दो ही पैमाने हैं अपने आप को साबित करने के, पहला कि जनसंख्या कितनी है सिर गिने जाते हैं, दूसरा वोट के हिसाब से। ये बात सच है कि दो बार वो हमसे जीते हैं, लेकिन अब चेंज हो गई चीजें। यहाँ पर गठबंधन बहुत प्रभावी है, जमीनी स्तर पर हम लोग पिछले 12-14 साल से मेहनत कर रहे हैं। गठबंधन का फायदा मिल रहा है आपको? बहुत फायदा गठबंधन। सईद, लौटते हैं आपके पास, मुजफ्फरनगर से चित्रा भी है, लेकिन चित्रा में थोड़ी देर में आपके पास आऊंगी, पहले गाजियाबाद रामकिंकर सिंह के पास चलते हैं। ये NCR का जो क्षेत्र हो जाता है वो सीधे तौर पर राजनीति से अपनी राजधानी दिल्ली से अपनी जिंदगी को कंपेयर करने लगता है। ये शहरी क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद आज उत्तर प्रदेश के चुनावों में जब पहले चरण में यहां पर लोग वोट डाल रहे हैं, तो ये यहां के शहरी मुद्दे
और यहाँ के जो वोटर हैं वो क्या कह रहे हैं रामकिंकर? श्वेता, जैसा आपने बताया बिल्कुल सही कि जो वसुंधरा, गाजियाबाद और कौशाम्बी का इलाका है, हाईराइज सोसाइटीज हैं, उत्साह इतना चरम पर है कि एक डेढ़ घंटे के अंदर बहुत सारे लोग लाइन लगाकर वोट देने यहां पर पहुंचे हैं। अगर मुद्दों की बात करें तो जैसा आपने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे थे वो मौसम आधारित ज्यादा थे, यानी गर्मी ठंडी की और साथ ही साथ, लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये बेल्ट है यानी गाजियाबाद का साहिबाबाद विधानसभा सीट, आपको याद होगा कि यही कुछ ही दूरी पर जो है किसान आंदोलन हुआ था, और ऐसे में किसान आंदोलन का मुद्दा बिल्कुल अहम है, लेकिन यहीं पर कैलाश मानसरोवर भवन भी है जो कि मुख्यमंत्री ने बनवाया था, सियासी सरकार ने बनवाया था। तो इस हिंदुत्व के और विकास के मुद्दे पर और साथ ही साथ जो एलिवेटेड रोड यहां पर बनाया गया है उसको लेकर के यहां से साहिबाबाद से सुनील शर्मा उतरे हुए हैं, लेकिन SPRLD का गठबंधन है, वहां से जो प्रतिद्वंदी है मुख्य तौर पर वह अमरपाल शर्मा है, और साफ तौर पर एक साहिबाबाद में एक एरिया ये भी है खोड़ा जो कि सबसे बड़ा अनऑथराइज एरिया है, और वहां पर पानी का मुद्दा लेकर आ रहे हैं। तो किस मुद्दे को तरजीह मिली है ये तो परिणाम पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि काफी ज्यादा दिमाग में है, कुछ युवा वोटर्स आए जिनके सामने बेरोजगारी मुद्दा था, ऐसे में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये माना जाता है कि अगर यहाँ पर इस फेज में ठीक ठाक हो गया तो आने वाला बेरोजगारी और साथ में महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है। आगरा चलते हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह वहां से है। जितेंद्र, यहां पर एक बड़ी चीज ये हो गई कि अभी तक आगरा यानी पर्यटन, लेकिन पिछले 2 सालों का अगर हम दायरा देख लें तो आगरा मतलब वहां जहां पर पहला केस आ गया कोविड का उत्तर प्रदेश में, और वहां पर और भी सवाल उसके साथ आ गए, छोटे छोटे जो वहां पर अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, उन पर बड़ा असर पड़ा। क्या ये चीजें चुनाव तक है या फिर मैनेज की गई है सरकार द्वारा वहां? बिल्कुल श्वेता, आगरा की स्थिति अगर आपको बता दें तो आगरा के बारे में बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये पर्यटन का गेटवे है, यानी कि यहीं से शुरुआत होती है पर्यटन की उत्तर प्रदेश में, और यमुना नदी के तट पर ये आगरा बसा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो लोग यहां पर ये कह रहे हैं कि 2017 में जिस तरीके से बीजेपी ने यहां पर क्लीन स्वीप किया था, तो 2017 से आते आते 2022 तक यमुना नदी का जो पानी है वो काफी यहां पर बह चुका है। पब्लिक का यह कहना है कि मुद्दे भी कई उनके जो है वो बदल चुके हैं, उनका ये भी कहना है कि अब अलग अलग मुद्दों के आधार पर वो लोग जा रहे हैं। यहाँ के अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर विकास उस तरीके से जो जनता का कहना है वैसा नहीं हुआ है, हालांकि यहाँ पर मेट्रो दी गई है, जनता इस बात को लेकर के खुश है। यहाँ पर हमारे पास कई वोटर मौजूद है जिसमें से फर्स्ट टाइम वोटर है, उसके साथ साथ जो है अभी वोट कास्ट करके आए हैं। ये बताइए, पहली बार आपने वोट कास्ट किया है, क्या मुद्दा रहा है इस बार आप लोगों ने जो यहाँ पर देखा है? बेसिक रीजन मेरे वोट देने का इस समय अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि इन फ्यूचर आई वांट टू बी एम्प्लॉयड, तो आगे का सोचना है तो अभी से स्टार्ट करना होगा ना। महिलाओं की सुरक्षा ये भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के क्या कहेंगे? वो भी इम्पोर्टेंट है, बी ए डे और नाइट, तो महिलाएं दिन में रात में भी जाए करें तो असुरक्षित महसूस ना करें। वैसे तो काफी सुविधाएं दे रखी है, 100 नंबर की गाड़ी वगैरह भी दे रखी है उन लोगों ने कि कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी होता तो सही है, कुछ क्राइम्स यहाँ पे काफी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर जी। हाँ, वो उसके लिए भी मतलब इस समय तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन महिलाओं को रात में ज्यादा निकलना करना भी नहीं चाहिए, और जो योगी ने करा है वो काफी अच्छा ही करा है। बिल्कुल श्वेता, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के मुद्दे हैं महिला सुरक्षा को लेकर के, जो मुद्दा है उसको लेकर के यहाँ पर कानून व्यवस्था चित्रा रख रही, लेकिन सबसे मुजफ्फरनगर में आप इस समय मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर हम अभी भी जिक्र कर रहे थे कि दंगा न हो पाना, योगी राज में दंगा नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट लेके बीजेपी घूम रही है, लेकिन क्या मतदाता उसके लिए रोजगार जैसे मुद्दों को भूलने के लिए तैयार है? क्या महंगाई जैसी चीजें स्वीकार है? क्या लोग इस तरह की बातें भी करते हैं? देखिए श्वेता, अगर मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं तो गन्ने के मिठास के लिए ये पूरा का पूरा इलाका जाना जाता है, और गन्ने के रस से किसका मुंह मीठा होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको ये भी बताते चले, गन्ना जिन्ना इसके साथ ही रोजगार को लेकर भी तमाम बातें हुई, और सबसे महत्वपूर्ण बयान जो इस दौर में हम सब ने देखा वो था एक तरफ मई जून में इसको शिमला बना देने का, तो दूसरी तरफ था चर्बी उतार देने का। इन बयानों की भी अग्नि परीक्षा इसी मुजफ्फरनगर में होनी है। एक तरफ जहां बड़े बड़े नेता संजीव बालियान का ये इलाका है, तो दूसरी तरफ जो टिकैत बंधु
में है उनका भी ये इलाका है। महत्वपूर्ण रहेगा देखना, लेकिन जिन लोगों ने वोट डालिया है जरा उनसे हम जानते हैं मुद्दे कौन से रहे जिनको ध्यान में रखते हुए आप वोटिंग के लिए पहुंची हुई थी। जी मैम, किस मुद्दे पर वोट डाल के आई हैं आप? मैम, हमारे हमेशा वोट डालने का मुद्दा रहा है कमल का फूल, हमने हमेशा कमल का। चलिए ठीक है, यहाँ पर अपने अपने ठीक है मुद्दे नहीं बल्कि वो बता रही हैं कि किसको वो वोट डाल कर आई हैं यहाँ पर, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे चुनाव आयोग की ओर से किस तरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर ये महिलाएं बैठी हुई है, सबके नाम नोट कर रही है, बाकायदा यहाँ पर चेकिंग की जा रही है क्योंकि कोरोना के तमाम गाइडलाइंस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये लोग आप देख पा रहे हैं। और अंदर की तरफ आगे जाने पर वहां पर वोटिंग कतारों में लोग खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह के उत्साह की उम्मीद की जा रही थी देखिए यहाँ पर इस वक्त चेकिंग चल रही है और बकायदा सभी को चेक किया जा रहा है कि उनका टेम्परेचर क्या है, बातचीत होती है और फिर उनको अंदर जाने दिया जाता है। यहाँ मुजफ्फरनगर में जी तरीका ही बदल गया है कोविड के समय में वोटिंग का, पहले बुखार देखा जाए और उसके बाद आप जाकर वोट वहां पर डालें। लेकिन देखिए उसके बावजूद हर तस्वीर हमारे जितने संवाददाता तस्वीरें दिखा रहे हैं हर जगह क्या गजब का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। मथुरा चलते हैं, अभिषेक मिश्र वहां से हमारे साथ हैं। अभिषेक, मथुरा आज के वीआईपी सीटों में भी सबसे वीआईपी के तौर पर देखा जा रहा है और मथुरा इसीलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अयोध्या काशी के बाद मथुरा का मुद्दा इस बार जमकर उठाया गया। देखिए बिल्कुल श्वेता, और यही कारण है कि मथुरा सीट इस बार कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है, न सिर्फ मंदिर के लिहाज से बल्कि यहाँ के मुद्दे भी ऐसे हैं जो लगातार इस चुनाव में सामने दिखाई दिए। हमारी मौजूदगी वृंदावन में है, कहते हैं वृंदावन में रहना है तो राधे राधे जपना है और भीड़ देखिए मतदाताओं की, लगातार ये जो सीट पे जो मतदाता है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और वृंदावन की अगर मैं बात करूं तो खासतौर पर ये वो सीट है जहां बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को बदला है, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो टिकट काटे गए विधायकों के उनमें यहां का भी नंबर आया क्योंकि विधायक को लेकर के थोड़ी बहुत नाराजगी यहां पर थी। लेकिन वोटिंग का जो ट्रेंड सुबह से नजर आ रहा है वो लगातार बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं कतार लगातार बढ़ी जा रही है और यही कारण है कि मतदाताओं में एक रुझान बड़े तौर पर हमें दिखाई दे रहा है जो वोट करने के लिए यहां पर लगातार पहुंच रहे। कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा। ये बताइए क्या मुद्दे हैं, वृंदावन में काम हुआ है 5-6 सालों की स्थिति क्या है? विकास हुआ उनका, हुआ है बिल्कुल। तो इस बार का चुनाव विकास पर ही है? विकास पर। आपके मंदिर भी चाहते हैं, लौटते हैं आपके पास।